नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी। कांग्रेस के वचन पत्र पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि पहले कांग्रेस अपने पुराने वचन का हिसाब दे। कांग्रेस को अपने पुराने वचन पत्र के बारे में जनता को बताना चाहिए। वही वचन पत्र में कोरोना को लेकर किए गए वादे पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस तो चांद को जमीन पर लाने का भी वादा कर सकती है। इस तरह की तमाम घोषणाएं वादे पिछले चुनाव के समय भी कांग्रेस ने दिए थे और अब कैसे भी सत्ता में आ जाए इसके लिए इस तरह के अब वादों की वचन पत्रों की लगातार घोषणाएं होंगी। देखिए, वर्तमान सरकार ने जो हमारे प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जो प्रयास हो सकते थे वो प्रयास किए हैं और इसलिए अन्य राज्यों की स्थिति सुल्ला में मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर है। सरकार की तरफ से पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, पूरा इलाज निःशुल्क हो रहा है और जो भी प्रयास सरकार की तरफ से हो सकते हैं वो प्रयास हो रहे हैं और इसलिए मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से ठीक स्थिति में। देखिए, इस तरह की तमाम